गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है यहाँ पे दो अनब्रेकेबल कार्डबोर्ड बॉक्स। एक है छोटा और एक है बड़ा, और इन बॉक्सों पे लगा हुआ है 100 लेयर्स ऑफ कार्डबोर्ड जिन्हें हमें ब्रेक करना है इन टूल्स की मदद से। और ये जो टूल है भैया रैंडमली आएंगे इस स्पिनर व्हील की मदद से। तंदू घुमा के दिखाओ। तो गाइस ये व्हील एक तरीके से घूमेगा और ये अपने मन से कहीं पे भी आके रुक जाएगा, और वही टूल इन्हें मिलेगा यहाँ पे तोड़ने के लिए, और इसे भैया तोड़ना है उन टूल्स की मदद से। और इनके पास भाई 5-5 मिनट का समय होगा उस टूल को इस्तेमाल करने का। क्या तोड़ पाओगे? बिल्कुल। अरे पर तुम्हें पता है अभी कौन अंदर जाएगा? नहीं पता। नहीं पता। तो गाइस इस बॉक्स के अंदर कौन अंदर जाएगा इसके बारे में हमें अभी तक भी नहीं पता है, तो उसका फैसला हम करेंगे इन चिट्स की मदद से। इन चिट्स में लिखा हुआ है कि कौन बड़े वाले बॉक्स में जाएगा और कौन छोटे वाले बॉक्स में जाएगा। तो बिना किसी देरी के इसको ओम तड़का उड़ा 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 उड़ा। अरे हट जाओ। एक तो है ना गाइस, चिट तीन ही थी, तो भैया तीन चिटें इन्होंने उठा ली है। मैं नहीं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ये तीन है पार्टिसिपेट वाले। क्या आया? क्या आया भाई? कुछ भी नहीं आया। मैं बाहर गाइस, भूपेंद्र का तो ब्लैंक आया, तेरा क्या आया? काकू का गाइस स्मॉल बॉक्स आया। घुस साफ साफ पता चलता है कि जो सुरेश जी है उनके भैया बड़ा वाला बॉक्स आया। तो सुरेश जी घुस जाओ बिना किसी देरी के अंदर, फटाक से घुसो। ओ भाई साहब, गाइस एक बार आप देखो बॉक्स किस तरीके का है, बहुत ही शानदार लग रहा है। तो गाइस हमारे दोनों के दोनों कंटेस्टेंट इन बॉक्स के अंदर घुस चुके हैं। अब भूपेंद्र और मेरी जिम्मेदारी की इनको हर 5 मिनट में अलग अलग टूल्स से। तो दद्दू तैयार हो? तैयार हो भैया। तो बिना किसी देरी के तोड़ना किधर से? इधर से। हाँ गाइस, एक चीज और मैं बता दूं, जो कार्डबोर्ड है उसमें जो 100 कार्डबोर्ड्स की लेयर है वो पीछे की तरफ लगी है, तो इन्हें पीछे की तरफ से ब्रेक करना है भाई। तो बिना किसी देरी के इस चैलेंज की शुरुआत करते हैं। ओए 5 मिनट है तुम्हारे पास, हाथों से तोड़ो पहले। गाइस मेरे को नहीं लगता मैं इसको तोड़ पाऊंगा, बहुत छोटा है यार ये, तो पहले मुक्के मार के देखते हैं इनको। लगी रे गाइस, मुझे तो ये बड़ा वाला कार्टून मिला, मैं तो इसको आसानी से तोड़ दूंगा बाहुबली की ताकत से, खतरनाक तरीके से। काकू को छोटा बॉक्स मिला, उसे टूटेगा या नहीं टूटेगा, लेकिन मेरे को पहले निकलना उससे किसी भी हालत में। और ये 100 लेयर्स बहुत ज्यादा मजबूत है, खतरनाक तरीके से मजबूत है। ये देखो ये कार्टून ही जा रहा पूरा भाई साहब। सुरेश जी क्या कर रहे हो? कार्टून का डब्बा तोड़ोगे क्या? तोड़ने कुछ कर रहा हूं, टूट नहीं रहा मेरे से। इनके तो गर्दन नहीं दिख रही, गर्दन यहाँ से, ये नीचे खिड़की है, मैं बात करूँ तो यहाँ से देखा करो यहाँ से। इसमें इतना बड़ा छेद करना है कि मैं यहाँ से पूरा ये पूरा तोड़ के उधर निकल पाऊँ। क्या लगता है तोड़ पाऊंगा मैं? देखो किस तरीके से छेद कर रहा है, और वहाँ बॉक्सिंग मार रहे हैं बॉक्सिंग। से ना हो पाएगा यार, लात भी कैसे मारूंगा, लात मारूंगा बाहर पड़ जाऊंगा मैं। गाइस अभी तक काकू सबसे स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है, वो एक एक लेयर को फाड़ रहा है। अब देखो इस तरीके से ये एक एक लेयर को फाड़ने में लगा हुआ है। और सुरेश जी इधर क्या कर रहे हैं? अरे भाई सुरेश जी मुक्के पे मुक्के दे रहे हो, भैंस की टांग। अरे सुरेश जी हाथ में चुरा लेना, लग रही है हाथों में जोर जोर से मेरे। गाइस जो पेपर होते हैं ना, एक पेपर पे मुक्का मारोगे तो कुछ नहीं होगा, बट वही 100 लेयर ऑफ पेपर्स होंगे ना, तो भैया ऐसा लगे जैसे दीवार पे मुक्का मार रहे हो, तो वही सीन यहाँ पे हो रखा है। क्या हुआ, लग गई यार जोर से, दिखाओ। ओ भैंस की टांग देखो, पूरा लाल हो गया यार, ये सफेद हो गया भैया, मुक्का मार मार के धक 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 धक। गाइस इन बॉक्स को तोड़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट उसी के साथ साथ जो धूप है ना वो भी काफी तेज पड़ रही है, तो भैया यहाँ पे थोड़ी देर में इनको है ना काफी तेज गर्मी भी लगने वाली है। नो, अरे कुछ तोड़ने का नजर है, एक में हालत खराब हो गई, इतना टूटा है ये भी। दे दो यार, बहुत टाइम लगने वाला है सच में इसमें। तो गाइस चलो अभी ना टूल देते हैं। तो पहला टूल दे जोर से। हाँ दो गाइस, कुछ तो मिल जाए गाइस। रहने वाला देखते हैं, गाइस देखते हैं इनकी किस्मत में क्या आता है। अबे क्या मिला तुम्हें? रिंच बना दे दे भाई, वही दे दे भाई, सबसे घटिया टूल मिला है।
तो गाइस ये रहे रिंच पाने, छोटे वाले को बड़ा वाला मिलेगा, ये ले पकड़ भाई तेरा, और बड़े वाले को छोटा वाला मिलेगा, ये लो भैया आपका रिंच पाने। मेरा बड़ा कार्टून बड़ा देना चाहिए मेरे को। मजा आ रहा है गाइस, मजा आ रहा है इनको तड़पते हुए देखते और मजा आ रहा है। अबे इसको खोलते कैसे है? अबे तेरे को रिंच पाना खोलना नहीं आता? मार दूंगी। ओ स्मार्ट है काफी। सूरज जी को देखते हैं कैसे खोले इसको। गाइस इसको कैसे तोड़ूंगा, ये अगर नट थोड़ी है इसको खोल दूंगा। इसको फाड़ना है मैं निकल जाऊंगा क्या इसमें से? निकल पाऊंगा? इसमें से मेरी मुंडी भी नहीं निकलेगी बाहर। अभी तक इन्होंने ना 4-5 लेयर तोड़ दी होगी, बट पीछे की तरफ देखो कोई फर्क नहीं आया। जो गाइस कौन आ चुका है मेरे बेंचो, कौन ही कौन निकल रहे, कौन आ गए यार, कौन आ गए? ये है ना हमारे मोटी बुद्धि के, मोटी बुद्धि के गाइस कितना तो फाड़ चुका हूँ देखो। दूसरा सामान दे दो यार, बस बस एक मिनट बचा है, जल्दी करो यार। हर बार एक मिनट होता है, अरे क्या कर रहे हो ये पूरा पूरा तुझे? अरे ये कहाँ सर डाल रहे, ऐसे सर डाल रहे अंदर। अरे 5 मिनट हो गया कि? हाँ स्पिन कर जल्दी दद्दू, घुमा दो, ये घुमाया भैया। ओ भाई ये जी, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, अरे 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 दद्दू भाई, चाकू 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 भाई, मैं कैची समझ के रह गया था भाई। छोटे वाले को बड़ा चाकू, ये पकड़ भाई तेरा चाकू, और बड़े वाले को छोटा सा चाकू, ये लो भैया आपका चाकू। गाइस मेरा कोई मतलब नहीं इसमें, इससे कैसे करने वाला इसे उल्टा इनको बहुत अच्छा मिला, उसको देखो कैसा मिला बोटा। अबे ये क्या दे रहे, इससे कैसे करूंगा मैं? ओए मेरा सही वर्क कर रहा है, देख ये तो भैंस क्या पांव पे गिराया मेरे, इसको टांग काट लेता अभी तो। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फसल काट रहा है फसल। कैसा करूं तो? अभी भी एक ताजा खबर आ रही है, खुकार आदमी ने एक मासूम से कार्डबोर्ड का चाकू से गोद गोद के करा मर्डर। ये खुकार आदमी जीप दिखाता है और मारने के बाद कुछ ऐसे चिल्लाता है, चाकू बाहर निकल गया, देख रहा यार जो भी चीज मिल रही कुछ ही काम की नहीं है। मजा आ रहा है गाइस इन्हें देख के, सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा ये चैलेंज है। अरे इससे तो कुछ नहीं वाला। गाइस अभी तक भी इधर कोई भी वो नहीं हुआ है, खड्डा वगैरह कुछ भी, बहुत मजबूत है भाई। 1, 2, 3 कुल्हाड़ी। तो गाइस छोटे वाले को बड़ा दे दिया है और बड़े वाले को छोटा दे दिया है, लो पकड़ो भैया कुल्हाड़ी मिल गई। गाइस अब आएगा मजा काकू को देखने में, देखो उसकी कुल्हाड़ी उसके डब्बे से भी ज्यादा बड़ी है, ये हाथ भी घुमा पाएगा नहीं। अरे तेरी कोई मतलब की नहीं है, तू काम की ना कर्म की। कुलाड़ी ऐसी है निकल, देखो एट गुड। अरे कहना क्या चाहते हो? इसे चलाने में कितनी ज्यादा मुश्किल हो रही है। कौन जीतेगा? काकू ही। पक्का है? हाँ पक्का। और सुरेश? अब क्या सुरेश आ गई? गाइस सच में अब इनकी हालत खराब होना चालू हो गई थी। गाइस खोपड़ दुखने लगे मेरे, माता माता अरे गाइस मैं सो रहा हूं, मैं घर में जाऊं। गाइस क्या करें, चरखा फिर से घुमा दें, व्हील घुमा दें फिर से। ओ ओ हथौड़ा आ गया, ओए हथौड़ा आ गया। ले भाई तेरा बड़ा हथौड़ा, लो हथौड़ा आपका, सुखा डालूं इसको, कहाँ डालो? अरे भाई मुंह तोड़ देता अभी तो भैया, कसम से पीछे से ही मुंह तोड़ देता यूं ढक करके। ओए क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ अबे ये क्या हो गया? फैमिली वाले मजे ले रहे हैं। पकड़ यार। उरे तो किससे तोड़ोगे?
भाई सुरेश जी ने तो गुस्से में आ गया, थोड़ा ही बाहर फेंक दिया, कह रहे मैं तो हाथ से कर दूंगा, 5 मिनट अगले 5 मिनट का इंतजार करते हैं। काकू जीत रहा है। क्या हुआ सच्ची में कितनी लगी? अबे ऐसे ऐसे जूते के बीच में हाथ आ गया पूरा, जाम पड़ रहा तो मिस हो गया। और गाइस पता नहीं हमारा ये व्हील ढंग से काम भी नहीं कर रहा है। इतना सा घुमाएगा तो गाइस इनको मिलता है फन्नर, छोटे वाले को बड़ी फन्नर और बड़े वाले को छोटी फन्नर। गाइस यही तो चैलेंज है भैया, बड़े को छोटी चीजें और छोटे को बड़ी चीजें। अरे तो गर्दन मत काट लियो तेरी। गाइस सच के अंदर ये चैलेंज जितना आसान लग रहा था उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरे दर्द कर रहे हैं हाथ, पूरे वाइब्रेट कर रहे हैं पूरे। क्या होगा यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। गाइस इन्हें काफी ज्यादा समय हो चुका है भैया उस फन्नर से खोदते हुए और अभी टाइम है इनको नेक्स्ट टूल देने का। तो चलो इन्हें भैया नेक्स्ट टूल देते हैं। अभी क्या आया था, फन्नर आई थी तो लेट्स स्पिन इट। वैसे अभी 3 ही टूल बचे और भाई इन्होंने आधा आधा डब्बों को फाड़ दिया है, देखते हैं अभी क्या आता है। कहाँ पे मिलने वाला है इनको ये फावड़े? लो भाई फावड़ा लो, तू आगे से चलेंगे तेरे को बताऊंगा मैं। ये लो भैया, ये मेरे लिए बढ़िया है, मस्त है। हाँ इसमें टूटेगा, टूटेगा हमें पता नहीं टूटेगा। अरे अरे लगी रे गाइस धरती का सीना फाड़ के आएंगे। फाड़ लिया सीना धरती का। भाई धरती का सीना फाड़ गिर रही है, खुद का सीना फट जाता भी यहाँ पे। अबे तूने क्या किया भाई, फावड़ा ने मोड़ दियो। दर्द कर रही है वो ज्यादा। तो गाइस हालत तो दोनों की काफी ज्यादा खराब हो गई थी, वहीं पे काकू थोड़ा रेस्ट करने लगा बट सुरेश जी नॉन स्टॉप लगे रहे कार्डबोर्ड को खोलने में। भाई इतना बताना नहीं चाहता बट सुरेश जी बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं सच में। बोल ले यार। नहीं नहीं वो पता चल जाएगा बाहर निकल के, पता चल जाएगा विजेता कौन है। ओ भाई एंटर। तो गाइस हमारे यहाँ पे विनर निकल चुके हैं और काकू अभी तक भी भैया एस्केप नहीं कर पाए, जबकि सबसे ज्यादा चांसेस काकू के थे। अबे निकल जा बाहर। ये देखो गाइस हालत देखो, खून आ गए, खून आ गए यहाँ पे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई और इस तरीके का कॉन्सेप्ट आइडिया पसंद आया है तो भाई कमेंट में जरूर बताना, हम ऐसी ऐसी और भी वीडियोस लेके आएंगे फन एंटरटेनमेंट के लिए। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही दूसरे किसी तगड़े वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।